बोलो भटारन स्वामी की जय। भाटा भाई, ये भाईगिरी छोड़ के साधुगिरी में क्यों घुस रहे ले हो? ये निकाल के हाथ में पकड़ा। हाँ भाई, लो भाई। ए भोजपुरी पिक्चर के ओम पुरी और पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो। आज से बाटा भाई की भाईगिरी गई। पर बाटा भाई, भाईगिरी छोड़ने का क्यों? ए तेरे को पता है, कलिच मैंने एक पार्टी को फोन लगा के बोला, ए मैं एरिया का भाई बोल रहा हूँ, तो मालूम उसने आंसर में क्या जवाब दिया? क्या बोला भाई? भाई? तेरी बहन का नाम एरिया है क्या? हंसो, हंसो साले, हंसो, हंसो। साला कोई इज्जत इच नहीं। इसलिए बाटा भाई, आज से भाईगिरी को टाटा बाय बाय बोल रेला है। आज से बोल बचन ओनली फॉर प्रवचन। भक्त जनों, सज्जनों, आप लोग जो इतनी देर से कुर्सियों पे अपनी टिका के बैठे ले हैं, उनको स्वामी बाटारन अपना सलाम ठोक रेला। श्री राम बोले तो रामायण के सोलो हीरो, पहली चिरील में 14 साल के लिए तड़ी पार हो गए। बोलो कंपनी के वास्ते सीता माता भी साथ में गई ली। उधर इच आठ टपका विलन रावण, काफिया भी मिलता है। बोलो आके सीता माता को आउटडोर से ही किडनैप कर डाला। बोलो लेकिन तभी सपोर्टिंग रोल में हनुमान जी महाराज ने दबंग स्टाइल में अपनी धांसू एंट्री मारी, बस पकड़ के लंका पहुंचे और रावण का वस्त्र हरण कर डाला। बोलो हेलो, गलत है, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, अब रामायण में महाभारत घुसा रहे हो। ये बशीर बोखड़े, इसको लेके आ मेरे पास। ये उजड़ी हुई रियासत के राजकुमार, तू इस एरिया का दूध वाला है ना, तो जब तू अपने दूध में पानी मिला सकता है, तो मैं रामायण में महाभारत क्यों नहीं मिला सकता? पॉइंट तो ठीक है आपका स्वामी। ये कल्लू कोयले, इसको कोने में ले जाके इसका वस्त्र हरण कर डाल और पॉइंट भी ठीक कर डाल। मेरा वस्त्र हरण करेगा। रामायण और महाभारत ये तो अलग अलग ग्रंथ है। लोअर स्टाल के फटेले टिकट, तुम जैसे लोग इच भाई लोगों को चेंज होने का चांस नहीं देते, समझा क्या? अरे करे भाई, ये बाबा नहीं डोंगी है, डोंगी। ये साइलेंट पिक्चर के डबिंग आर्टिस्ट, अब किसी ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया तो सीधा ठोक डालूंगा, समझा क्या? नहीं भाई। भाग गए सारा। शांत भाई, शांत। ए चश्मा। हाँ चश्मा। साला पापी दुनिया को देखने का दिल नहीं कर रहा मेरा। ओह वाह वाह, बाटा भाई। अरे इसे कहते हैं टेरर। अरे बाटा भाई, आपकी बुलंद आवाज प्रवचन देने के लिए नहीं बनी है, धमकी देने के लिए बनी है, धमकी। अरे आपके सामने बुलंद से बुलंद आदमी का भू निकल जाए और रह जाए सिर्फ बाटा भाई। ओ यस। ए सिंगल स्क्रीन के पिटे हुए हीरो लोग, ये क्या है रे? 25 लाख एडवांस एक्सटॉर्शन मनी। क्या? एडवांस एक्सटॉर्शन मनी। क्या? अरे दो बार बोल जा, बहरे हो गया? ए टूटे खिलौने। वो जैसे एडवांस टैक्स होता है, वैसे ही एडवांस एक्सटॉर्शन मनी। बाटा भाई, आप हमें जानते नहीं है ना, हम हमेशा आगे की सोचते हैं, आगे की। हमारा जो लैंड है ना उस पे
जैकपॉट लग गया है। जैकपॉट। अभी क्या दो तीन दिन बाद आप पेपर में पढ़ोगे कि हम लोग अरबपति हो गए, फिर आपके फोन आने लगे पैसे दो ना तो जान ले लूंगा, एक्सटॉर्शन मनी वगैरह वगैरह वगैरह। और भाटा भाई, भाटा भाई आप सात बोलेंगे, हम लोग पांच बोलेंगे, फिजूल की बार्गेनिंग। इसलिए भाटा भाई एडवांस एक्सटॉर्शन मनी। ये फिल्म डिविजन की भेंट, तुम लोगों का ये प्रवचन मेरे सर के ऊपर से बाउंसर गया, समझा क्या? तो हेलमेट पहन लो ना। ए रंगदे बसंती। सोचो भाई, ये चार लोग लैंड के दम पे 25 लाख रुपए एडवांस देने को तैयार हो गए लेने, तो लैंड में कुछ तो होएंगे ना भाई। अपने पर्सनल होठों से सही बोल रही लाए तू। ए तुम लोगों का लैंड का प्रोमो मेरे को अच्छा लगा, अब होठ खोल के बोलो कि पूरा लैंड कब दिखाओगे।